अस्सलामुअलैकुम। आज हम अंडे की पुडिंग बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए हमें जो सामान लगेगा वो 3 अंडे लिए हैं मैंने, और शक्कर टेस्ट के हिसाब से लें। अगर आपको ज़्यादा मीठा लगे तो ज़्यादा लें, अगर लाइट पसंद करते हैं तो कम लें। और तकरीबन एक कप दूध है, और इलायची पाउडर लगेगा, और ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच। तो जो जो सामान लगेगा वो बता रही हूँ मैं। ये देखिए, 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देती हूँ, 2 से 3 चम्मच डाल दें। और ये मैंने ये बर्तन जिसमें बनाना है पुडिंग, ये सिल्वर फॉइल से वो कर लिया ताकि आसानी से वो मोल्ड हो सके। और ये इसमें ऑयलिंग किया है मैंने, ऑयल लगा दिया है, ब्रश करके पहले तैयार रखा है। अब हम इसे मिक्सी में सब सामान मिलाएंगे। और देखिए, मैंने पैन में एक कढ़ाई में स्टीम करने के लिए पानी रख दिया है। जब उसमें बबल्स आने लगे तब हमें स्टीम करने रखना है। ये सब चीज़ें हम एकदम आसानी से मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसे अंडे को तोड़ लेंगे। देखिए, जार में डालते जा रहे हैं हम, एक जार में सब मिलाएंगे। तीनों अंडा हमने तोड़ के डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें ये शक्कर और ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट अभी डालूंगी, बाद में थोड़े डालूंगी। थोड़े से ड्राई फ्रूट अब डाल दें, और इलायची पाउडर थोड़ा शक्कर मिला के मैंने पीसा है, इसलिए 1/2 से 1/4 चम्मच डाल दें। और अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें शक्कर गल गई कि नहीं। शक्कर गल गई है, और अब हम क्या करेंगे, इसे मोल्ड में डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके इसे रखा हुआ है, ऑयल से या घी से किसी से भी कर ले। ओ सॉरी, दूध डालना तो भूल ही गए हम। अब इसे दूध डाल के मिक्स करेंगे। अब इसे दूध डाल के मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह घुमा लेंगे। अब देखिए, पानी एकदम पकने लगा। अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। और ये ड्राई फ्रूट है, मेवे, वो सब ऊपर डाल देंगे। और इसको हम कवर कर देंगे ताकि ऊपर से इसमें पानी, भाप का पानी ना आए। और ये आंच धीमी कर देते हैं, और इसमें ये रख देते हैं। अब इसमें पानी एकदम अच्छी तरह उबलने लगेगा तब हम, अब हमने इसे कवर कर दिया है और उस पर लिड भी लगा दिया है। अब ये ढक्कन बंद करके धीमी आंच पे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट तक धीमी आंच पे इसे स्टीम होने देंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब 30 मिनट हो गए हैं, हम चेक करते हैं ढक्कन उठा के, और गैस भी बंद कर देते हैं। कितना अच्छा सेटल हो गया है। हम चाकू डाल के देखते हैं, एकदम क्लीन आ रही है, मतलब हमारा ये हो गया है। लेकिन हम इसे गरम गरम नहीं पलटेंगे, इसे अच्छी तरह से कूल होने देंगे 1-2 घंटा। उसके बाद हम सर्व करेंगे और कटिंग करके आपको बताते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, इसको आप जिस तरह, जिस शेप में चाहें वो शेप में कटिंग करके और सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।